हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट एकेडमी। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आप लोग जानते हैं मैंने पीडी वन में आप लोगों को दो सब्जेक्ट्स भेज चुका हूँ। फर्स्ट इज योर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज योर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये दो सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पीडी वन में भेज चुका हूँ। थर्ड मेरा सब्जेक्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि आप लोगों को पीडी टू में देखने को मिलेगा, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या चीज है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, गेट एग्जाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ पहले आप लोगों के साथ में। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कि यदि मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, नॉट ओनली बिल्डिंग, एनी टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर यदि मुझे बनाना है तो मुझे उसमें क्या चाहिए होगा। सपोज बीम कितना थिकनेस का रखा जाए, क्या डायमेंशंस रखा जाए बीम का, उसमें कितना स्टील रेनफोर्समेंट डाला जाए। मैं बात करूंगा कॉलम्स की, कॉलम्स का थिकनेस कितना रखा जाए, उसमें कितना स्टील रेनफोर्समेंट डाला जाए। दिस इज द पार्ट ऑफ योर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइनिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ द मेंबर्स। ये डिजाइन मैंने दिया कैसे, मुझे पता था कि इस बीम में इतना पर्टिकुलर लोड आ रहा है, इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मुझे पता था इस पर्टिकुलर कॉलम में इतना एक्सियल लोड आ रहा है, इतने स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो फिर मैंने उसको फिर डिजाइन कर दिया। तो देयर आर टू पार्ट्स, एक होता है एनालिसिस, मतलब आपको वहां पर फोर्सेस के साथ में गेम खेलना होगा, एक होता है डिजाइनिंग, जहां पर आपको मेंबर्स के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एज वेल एज उसमें कितना स्टील रेनफोर्समेंट डाला जाए उसके साथ गेम खेलना होगा। सो बोथ आर टू डिफरेंट पिक्चर्स, फर्स्ट वी हैव टू डू एनालिसिस, देन वी हैव टू डू दी योर डिजाइनिंग पार्ट। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मैं पहले डिजाइन कर दूं फिर एनालिसिस करूं, दैट इज द रॉन्ग थिंग ना। तो पहले आपको एनालाइज करना होगा कि मेंबर में कितने फोर्सेस आ रहे हैं, क्या चाहे वो फोर्स एक्सियल फोर्स हो सकता है, चाहे फिर वो शेयर फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, टॉर्शनल मोमेंट हो सकता है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोर्सेस भी हो सकते हैं। सो दिस कंप्लीट पिक्चर वी कीप अंडर द सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट। तो यहां पर मैं क्या बताने वाला हूं, आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके होंगे, एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन सिविल इंजीनियरिंग इज योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जहां पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करता था डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, आप लोग समझते होंगे डिटर्मिनेट का मतलब, नहीं भी समझते हैं सो आई एम हियर टू टीच यू व्हाट इज डिटर्मिनेट, व्हाट इज इनडिटर्मिनेट। बात करेंगे हम इसके बारे में अच्छे से चैप्टर नंबर वन के अंदर। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इतना मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बीम्स का एनालिसिस पढ़ते थे, उसमें कैसे शेयर फोर्स निकालू, उसमें कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालू, उसको कैसे एनालाइज करूं, कैसे रिएक्शंस कैलकुलेट करूं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर कैसे मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालू, कैसे एक्सियल फोर्स निकालू, किस तरीके से क्या क्या एनालिसिस करूं, क्या स्लोप रहेगा, क्या डिफ्लेक्शन रहेगा, वो सब कुछ हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। यहां तो सर मैं फिर क्या पढ़ने वाला हूं, यहां पर मैं पढ़ने वाला हूं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी बीम्स की एनालिसिस करना है। बड़ी बड़ी बीम से मेरा मतलब क्या होगा, यहां पर मैं फिक्स्ड बीम्स की बात करूंगा, इनडिटर्मिनेट बीम्स की बात करने वाला रहूंगा, ठीक है। तो जिसको हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट मेथड्स से। आप लोगों को पता है कि आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे तो वहां पर आप लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते होंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अपने मेंबर्स को एनालाइज कर देते थे। क्यों कर देते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे मेंबर्स होते थे, छोटे छोटे मेंबर्स मेरा मतलब क्या है, डिटर्मिनेट मेंबर्स हुआ करते थे। यहां पर आप लोगों के पास बड़ी बड़ी बीम्स रहेगी, कंटिन्यूस बीम्स रहेगी, फिक्स्ड बीम्स रहेगी, जो कि इनडिटर्मिनेट होते हैं अपने आप में। उसको एनालाइज करने के लिए आपको अलग से कुछ मेथड्स पढ़ना होगी, डिटेल में जाना होगा, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करना होगी, इसके लिए मुझे स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट्स हैं आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप लोग यदि वीक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, देन आप लोग इसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करो, देन आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वो सब कुछ मैं यहां पर यूज करने वाला रहूंगा। ये तो ही अपनी एक बात। दूसरी बात, इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं बता चुका हूं कि भैया बिना डिजाइन एनालिसिस करे आप किसी भी मेंबर की डिजाइन नहीं कर सकते, चाहे फिर वो आपका आरसीसी का सेक्शन रहे या फिर वो स्टील सेक्शंस रहे। स्टील सेक्शन आप पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर, तो चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर रहे या चाहे वो आरसीसी का स्ट्रक्चर रहे, दोनों को डिजाइन करने के पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर दिखाना होगा कि उसमें कितने शेयर फोर्स आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना टॉर्शनल मोमेंट आ रहा है, कितना एक्सियल फोर्स आ रहा है, कितने टाइप के स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या स्लोप है उसमें, क्या डिफ्लेक्शन है उसमें, वो सब कुछ आपको बताना होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़ते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बात इसके एक और मैं यदि बात करूं तो आप लोग जितने सॉफ्टवेयर्स यूज करते होंगे, इट मे बी योर स्टैट प्रो,
इट मे बी योर सैप 2000, इट मे बी योर ईटैप्स, इट मे बी योर माइडास, माइडास वन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर ब्रिज डिजाइनिंग। तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स हम क्या करते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर्स जो बेस्ड होते हैं वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन आर इंडियन कोड्स, क्योंकि हम इंडियन बिल्डिंग्स को यदि बनाते हैं तो इंडियन कोड्स फॉलो करते हैं, कहीं और पर बनाएंगे तो कुछ और कोड को फॉलो करेंगे। तो ये था मेरा सिविल इंजीनियरिंग में इसका इंपॉर्टेंस। यदि आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर्स की फील्ड में, बेंटले सिस्टम्स में जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप इफ यू आर टेक्निकली साउंड, स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका एकदम परफेक्ट है, तब जाके आपको वहां पर भी बेंटले सॉफ्टवेयर इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल कंपनी जो आपको लेती है, यदि आप बहुत साउंड है टेक्निकली स्ट्रक्चर एनालिसिस में एज वेल एज डिजाइन पार्ट में। तो यह हुई अपनी सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंस इसका। बात करूं यदि मैं गेट में, तो गेट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, तो गेट में इसका इंपॉर्टेंस अच्छा है मैं कहूं तो एवरी ईयर 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पूछे जाते हैं। अब ये 3 से 4 मार्क के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके एनालिसिस से रिलेटेड हो सकते हैं। कोई बीम दे दिया, उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पूछ दिया, ये बीम आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला बीम नॉर्मल बीम नहीं होगा, ये इनडिटर्मिनेट होगा, या किसी मेंबर की इनडिटर्मिनेसी आपसे पूछ दी कितना इनडिटर्मिनेट है, कोई ट्रस पूछ दिया इसका डिफ्लेक्शन पूछ, किसी ट्रस में एनालिसिस पूछ ली, किसी ट्रस के किसी पर्टिकुलर मेंबर में एक्सियल फोर्स पूछ लिया, किसी ट्रस के किसी जॉइंट का डिफ्लेक्शन पूछ लिया, या और भी बहुत सारी एनालिसिस यहाँ पर हो सकती है, उस सबको आप वो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं 3 से 4 मार्क में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों का कंबाइंड में वेटेज देखू तो मैं ऑन एन एवरेज 14 से 15 नंबर बोल सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का खुद का वेटेज 10 से 12 मार्क का या 8 से 10 मार्क का हो सकता है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस का वेटेज 3 से 4 मार्क का रखा गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अच्छे से स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो स्टार्ट करता हूं मैं डिस्कशन अपना। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की यदि मैं बात करूं तो पूरे मुझे यह समझना होगा कि स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, जो अभी मैं टॉपिक फिलहाल में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट विल बी योर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर मैं स्ट्रक्चर के जो टाइप्स है वो इस पैटर्न में नहीं बताने वाला हूं कि एक बिल्डिंग का एक टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, डैम एक अपने अपने टाइप में एक स्ट्रक्चर हो गया, वाटर टैंक अपने आप में एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, रिटेनिंग वॉल अपने आप में एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मैं ये नहीं बताने वाला हूं। मैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर उनके कनेक्शन के बेसिस पर बताने वाला हूं, उनके रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर बताने वाला हूं। तो यहां पर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास जनरली दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका रिजिड स्ट्रक्चर, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, यह है आपका रिजिड स्ट्रक्चर, और दूसरा है आपका यहां पर हो सकता है दैट इज योर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो ऐसा है जो बच्चे जनरली प्रॉब्लम फेस करते हैं, डरते हैं इस सब्जेक्ट से, तो हमें डरना नहीं है, सब्जेक्ट पर कमांड बनाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप करते करते सब्जेक्ट पर कमांड बनाएंगे। स्ट्रक्चर जो है दो टाइप के हो सकते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर हो सकता है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर हो सकता है। रिजिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो रिजिड स्ट्रक्चर में जनरली हम किस टाइप के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर में जनरली हम बीम्स की बात करेंगे, कि ये जो बीम्स होते हैं ना, दीज आर नोन एज रिजिड स्ट्रक्चर्स। आपके जो फ्रेम्स होते हैं, बिल्डिंग फ्रेम्स, ये भी अपने आप में क्या है, ये सब आपके रिजिड स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें क्या डेवलप होता है, हर एक जॉइंट्स पर मोमेंट डेवलप हो सकता है, इसलिए हम इसको रिजिड स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन वहीं पर मैं यदि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की बात करूं तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर आपके क्या रहेंगे, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर आपके रहेंगे ट्रसेस। हम ट्रसेस की बात करते हैं यहां पर, तो सपोज ये आपका एक ट्रस हो गया, तो ये क्या है अपने आप में, एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये आपका एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ट्रस को हमने पिन्स के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, हिंज सपोर्ट्स है, मतलब हिंज है एक, ये पिन के थ्रू ये मेंबर्स कनेक्टेड है, ये जो मेंबर्स, ये जो लाइंस में बनाता हूं, या तो ये एंगल सेक्शन हो सकता है या पतली पतली स्ट्रिप्स भी हो सकती है ना, तो वहां पर आप ट्रसेस ऐसे बना सकते हैं।
तो ये देखिए, ये आपके एक पिन के थ्रू कनेक्टेड है ना। जैसे कि मैं कहूं कि ये आपका एक मेंबर हो गया यहाँ का और एक ये मेंबर हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से पिन के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। मतलब इनमें इस तरीके का रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल है मतलब पिन जॉइंटेड है, इसमें रिजिडिटी नहीं आ सकती। सो दीज आर नॉट रिजिड मेंबर्स, इसलिए इसको कहा गया है पिन जॉइंटेड। और इसमें क्या है कि ये रिजिडिटी है, रिजिड है ये मेंबर्स अपने आप में, इसलिए इसको कहा गया है रिजिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां पर इन मेंबर्स का रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि दे आर कनेक्टेड थ्रू दी पिन्स। वो पिन्स के थ्रू कनेक्टेड है। एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर रखा, उसको पिन डाल दिया, तो क्या हो रहा है, नट बोल्ट से ये इस तरीके से रोटेशन इनका पॉसिबल है, इसलिए हम इसको कहते हैं पिन जॉइंटेड। इसके हर एक जॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पर पिन लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए पिन जॉइंटेड इसको कहा जाता है। अच्छा, ये तो ही मेरी एक बात, दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब इनको जो एनालिसिस हम करते हैं इन मेंबर्स की, ये एनालिसिस होती है इन द टर्म्स ऑफ देयर एक्सटर्नल रिएक्शंस एंड देयर इंटरनल रिएक्शंस। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि दी अबो, ये दोनों दोनों टाइप के एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं। दी अबो स्ट्रक्चर्स, अबो स्ट्रक्चर्स मतलब ये पूरा, ये भी और ये भी। आप थोड़ा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं। द अबो स्ट्रक्चर्स कैन बी एनालाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ, एक हो सकता है आपका इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट एक्सटर्नल रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस, और सेकंड हो सकता है इंटरनल रिएक्शंस। बस ये दोनों के बेसिस पर ही हम इसको क्या करते हैं, एनालाइज कर देते हैं, और हमारा मेंबर पूरी तरीके से एनालाइज हो जाता है। बस ये दो टाइप के फोर्सेस आपको कैलकुलेट करना होते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शंस। अब यदि हम बात करें एक्सटर्नल रिएक्शंस की, तो ये एक्सटर्नल रिएक्शंस क्या है, ये आपके एक्चुअली सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं कि इन सपोर्ट्स पर, ये सपोर्ट है, 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 ये है, ये है, इन सपोर्ट्स पर क्या रिएक्शंस आने वाली है। तो ये होती है अपने आप में, मैं इसको लिखना चाहूंगा, दीज आर योर सपोर्ट रिएक्शंस, ये है सपोर्ट रिएक्शंस। तो फिर ये इंटरनल रिएक्शंस क्या है, इंटरनल रिएक्शन से मेंबर फोर्सेस आपके, कि ये मेंबर में कितना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है, इसमें कितना है, यहां पर एक्सियल फोर्स कितना है इन मेंबर्स में, ये होते हैं आपके इंटरनल। सो एक्सटर्नल मतलब जॉइंट्स पर जो आया होगा आपके सपोर्ट्स पर, और इंटरनल रिएक्शंस मतलब मेंबर के अंदर कितना आया है, देट आर नोन एज इंटरनल रिएक्शंस। तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस आर योर मेंबर फोर्सेस, यहां पर हम इसको क्या लिख देते हैं, ये है आपके मेंबर फोर्सेस। अब ये मेंबर फोर्सेस हैं, तो ये मेंबर फोर्सेस क्या हो सकते हैं, एक्सियल फोर्स भी हो सकता है, शेयर फोर्स भी हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है, टॉर्शनल मोमेंट भी हो सकता है। अब मैं इन दोनों को डिटेल में बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा अब एक्सटर्नल रिएक्शंस की, मैं बात करूंगा अब इंटरनल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं एक्सटर्नल रिएक्शंस का। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई आप लोगों को? अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया, सिर्फ मैंने आपको एक नई बात सीखने को मिली कि दो टाइप के स्ट्रक्चर जनरली मैं एनालाइज करता हूं। एक करता हूं रिजिड स्ट्रक्चर, दूसरे करता हूं मैं आपके पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर में आपकी फ्रेम्स, बीम्स, ये सभी आ जाते हैं। बीम्स भी जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड बीम हो, जितने भी टाइप की बीम्स होगी जो मैं आगे बात करने वाला हूं, तो वो सभी बीम्स रिजिड स्ट्रक्चर में आ जाएगी, और जो ट्रसेस होगी उसको मैं पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में रखूंगा। ठीक है, तो इन दोनों को एनालाइज जो करना है वो ओनली इन टू पैटर्न करना है। एक होगा आपका एक्सटर्नल रिएक्शंस को एनालाइज करना, एक होगा आपका इंटरनल रिएक्शंस को एनालाइज करना। एक्सटर्नल रिएक्शंस मतलब आपकी सपोर्ट्स पे क्या रिएक्शंस आने वाली है उसको एनालाइज करना, इंटरनल रिएक्शंस मतलब मेंबर्स के अंदर कितनी फोर्सेस या रिएक्शंस आने वाली है उसको एनालाइज करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं और एक एक सपोर्ट पर कितने कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस आती है। मतलब मैं डिस्कशन अभी किसका स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सटर्नल रिएक्शन का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, तो मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूं, टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर एक्सटर्नल रिएक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है,
ये हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर। तो यदि हम इसकी बात करें तो उसका एक मैं टेबल छोटा सा बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाते जाएंगे शायद मेरे साथ साथ। सो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में यहां पर लिख देता हूं। दूसरा कॉलम हम लोग यहां पर बनाएंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बाद में, एट दी एंड कैसा दिखेगा ये, फिर एट दी स्पैन कैसा दिखता है, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके बारे में हम, फिर यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस इन 2D एंड एक और इसके अंदर हम लिखेंगे लास्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इन 3D। तो ये हमारे पास आ चुका है, एक टेबल मैंने बना लिया है। इस टेबल को मैं पूरा यहां से पैक कर देता हूं जरा अच्छे से। ये हमने इसको इस तरीके से टेबल बनाया है। अब फर्स्ट टाइप का जो सपोर्ट मैं यहां पर देख रहा हूं, दैट इज योर, मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट नंबर का फिक्स्ड सपोर्ट। नाम क्या है इसका? फिक्स्ड सपोर्ट इसका नाम है। अब इस फिक्स्ड सपोर्ट के अंदर ये सपोर्ट एंड पर कैसा दिखता है उसका मैं एक फिगर बनाता हूं। ये सपोर्ट एंड पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से ये क्या है, पूरा अपने आप में ये सपोर्ट फिक्स है। मतलब यदि मैं बात करूं तो ये मेंबर आगे और जा रहा होगा, इस मेंबर की कुछ लेंथ होगी, इसको मैं ऐसा बना देता हूं। मैं जहां भी ऐसा साइन बनाता हूं, आप लोग समझदार हैं, आप समझते हैं, मतलब ये मेंबर और आगे कंटिन्यू हो रहा होगा। ये फिक्स्ड मेंबर है, ये जो एंड है ये फिक्स्ड है, ये मैंने एंड पर इसका फिगर बनाया है, ये फिक्स है। फिक्स होना मतलब क्या कि यदि ये मेंबर ये रहा, ये वही वाला मेंबर है, तो मैंने इसको पूरा ऐसा पकड़ रखा है। मतलब ये मेंबर इस पर्टिकुलर जॉइंट पे ना तो ये जॉइंट ऊपर जा सकता है, ना ही नीचे आ सकता है, ना ही आगे जा सकता है, ना ही पीछे जा सकता है, और ना ही इस जॉइंट का रोटेशन, ऐसा कुछ रोटेशन पॉसिबल है। तो इसको मैंने पूरी तरीके से फिक्स कर रखा है। मतलब इसमें तीन टाइप के जो फ्रीडम्स होते हैं, मतलब इसमें जो तीन टाइप के डिफॉर्मेशन पॉसिबल थे, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन, ये तीनों ही पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, इसको मैंने इतना फिक्स पकड़ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यदि इसको फिक्स पकड़ रखा है तो इसके अंदर एक रिएक्शन आ रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, RY पकड़ रखा है इसने, जो कि इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं होने दे रहा है। दूसरा इधर से एक रिएक्शन इस पर लग रहा होगा RX, जो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होने दे रहा है, और तीसरा इसके अंदर रोटेशन नहीं होने आ रहा है, इसलिए इसमें लग रहा होगा आपका बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझाना होगा मुझे अच्छे से कि यार मैंने वर्टिकल डायरेक्शन वाई माना है, इसलिए मैंने कहा कि रिएक्शन ऊपर की तरफ RY लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली, इसलिए मैंने रिएक्शन लगाया RX। अब मैंने ये जो बेंडिंग मोमेंट है जेड क्यों लगा दिया, ये बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड इसलिए लगा भैया, क्योंकि एक समझने की बात करो, देखो ये क्या है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं कि बेंडिंग मोमेंट ऐसा, क्योंकि आगे ये पूरी पिक्चर आपकी इसी पर बेस्ड है, तो अच्छे से समझते हैं। ये है मेरे पास एक इस तरीके से जंक्शन, घरों में हम ऐसा जंक्शन देखते हैं, मतलब एक बीम इधर जा रही है, दूसरी बीम आपके तरफ आ रही है, और तीसरा ये नीचे की तरफ ये जो वर्टिकल है ये क्या है, कॉलम है। सो ये वर्टिकल कॉलम हो गया, ये आपकी एक बीम हो गई, ये आपकी एक बीम हो गई। अब मुझे डायरेक्शन डिफाइन कर देने दो, ये जो बीम है ये बीम है आपकी एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन आपकी एक्स है, ये कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन वाई है, ये जो आपकी तरफ आ रहा है ये जेड डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन
जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, क्लियर है यहां तक का? अब मैंने क्या किया, मैं बात कर रहा हूं आपका इस वाले बीम का जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, ये वाली बीम, ये वाली बीम मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखी है। सपोज इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स, तो देखो एक्स डायरेक्शन में मैंने रिएक्शन लगा दिया। नीचे से रिएक्शन वाई लग रहा है तो मैंने देखो वाई लगा दिया। अब जेड किसे लग रहा है, तो जेड देखो, ये वाली बीम को मैंने ड्रॉ करा है तो इस पर देखो मैंने लोड लगाया, ये मैंने लोड लगाया, तो जैसे मैंने ये अपने फिंगर से इस पर लोड लगाया तो लोड लगाने पे कैसा रोटेट हो रहा है, कुछ इस तरीके से। मतलब आप सोचो कि इसके अंदर जो रोटेशन आ रहा है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट आ रहा है, आपकी जेड एक्सिस के अबाउट आ रहा है ना। देखो ये आपका जेड एक्सिस था, ये आपका ये वाला एक्सिस था, तो यहां पर इस पर लोड लगाने पर ये इस तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट पूरा रोटेट हो गया है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो बीम आपकी एक्स डायरेक्शन में थी उस पर यदि मैं लोड लगाऊं तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो देखिए ये जेड एक्सिस के अबाउट आएगा। ये लोड लगाया तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ये पूरी ऐसी रोटेट हो रही है। मतलब जो बीम एक्स डायरेक्शन में है उसमें जो बेंडिंग मोमेंट आने वाला है वो अबाउट जेड डायरेक्शन आने वाला रहेगा, ठीक है। और वैसे यदि मैं इस वाली बीम की बात करूं जेड की, जेड के ऊपर लोड लगाऊंगा, इस वाले बीम में यदि लोड लगाऊंगा तो इसमें कैसा आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्लियर। तो ये होता है इसका तरीका एनालिसिस करने का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा डायरेक्शन का फंडा। अब आता है कि अच्छा अब एक बच्चों को एक कंफ्यूजन और रहता है, भाई ये तो समझ में आ गया कि ये आर वाई मैंने इधर से लगा रखा है, आर एक्स मैंने इधर से लगा रखा है। अब बच्चों कंफ्यूजन होगा कि सर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों लगा रखा है बेंडिंग मोमेंट, आप ऐसा भी तो बना सकते थे क्लॉकवाइज, ये भी आप लोगों का एक डाउट होना चाहिए। तो देखिए सर मैं ये क्या बनाया हूं, रिएक्शन बनाया हूं। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक होती है तोड़ने वाली ताकत और एक होती है बचाने वाली ताकत। तो यहां पर ये जो बेंडिंग मोमेंट है ना ये रिएक्शन है, बचा रहा है आपके मेंबर्स को। कैसे, मतलब समझते हैं कि आप देखिए यदि मैं यहां पर लोड लगाऊं, फॉर एग्जांपल एक लोड मैंने यहां पर लगाया, ये आपका बीम था, ये लोड मैंने यहां पर लगाया, ठीक है। तो ये बीम में रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। भाई देखो ना बीम कैसा रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज। तो बीम यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और मुझे तो रोटेशन रोकना है, तो जो रिएक्शन डेवलप होगी बेंडिंग मोमेंट की वो कैसे डेवलप होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगी। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट कैसा डेवलप हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप कर दिया है। तो ऐसा ही है हमारे पास कि हम लोड का टाइप देख के उसको डिसाइड कर देते हैं कि उसके अंदर कैसा रिएक्शन आने वाला है, क्लॉकवाइज आने वाला है या एंटी क्लॉकवाइज आने वाला है, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि मैंने नीचे से लोड लगा दिया, नीचे से लोड लगाऊंगा तो देखिए ये बीम थी इसको नीचे से लोड लगाया तो ये कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ये जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे है इसको मुझे क्लॉकवाइज फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं ये मान के चलता हूं कि ऊपर से लोड आ रहा होगा तो उसको मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है, वो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो एंड पर ये मुझे इस तरीके से दिखता है, तो मिड स्पैन पर कैसे दिखेगा, मिड स्पैन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब स्पैन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्पैन पर इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, स्पैन पर फिक्स एंड पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, तो बात करें यदि हम एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इन 2D, यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये 2D में है तो 2D में कितनी रिएक्शन साथ दिख रही है आप लोगों को, तीन रिएक्शन दिख रही है, RX, RY, RZ और RX, RY, MZ। तो तीन रिएक्शन यहां पर हमें देखने को मिली, तो मैं वही लिखना चाहूंगा कि 3 रिएक्शन आर पॉसिबल यहां पर, और वो तीन रिएक्शन कौन कौन सी है, वो तीन रिएक्शन है आपकी, एक है RX, दूसरी है आपकी RY और तीसरी आपकी क्या हो गई, MZ, बेंडिंग मोमेंट MZ। ये आपकी तीसरी रिएक्शन यहां पर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा स्पेस वहां पर प्रॉपर कवर कर लेता हूं, एक ही बोर्ड पर मैं समझाना चाहूंगा इसको कंप्लीटली। तो आई होप आप लोगों को यहां तक की पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि मैं बताना क्या चाहता हूं आप लोगों को। फिर यहां पर ये मैंने लिख दिया एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इन 3D, ठीक है। तो यहां पर 3D में यदि बात करूं तो आपके पास टोटल 6 रिएक्शंस देखने को आप लोगों को मिलेगा, 6 रिएक्शन 3D में। यदि मैं कह रहा हूं यही वाला जॉइंट, यही सपोज यदि 3D में है तो वहां पर आप लोगों को 6 रिएक्शंस देखने को मिलेगी। तो 6 रिएक्शंस कौन कौन सी होगी, तो 6 रिएक्शंस में
एक होगा आपका RX, एक होगा आपका RY, एक होगा आपका RZ। तो ये तो RX, RY, RZ तीनों डायरेक्शन से एक फोर्सेस लगना चालू हो गए। इसी के साथ साथ बाकी के तीन डायरेक्शन से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मोमेंट्स देखने को मिलेगा। एक मोमेंट लग सकता है MX, एक मोमेंट लगेगा आपका MY और एक मोमेंट आपका लगेगा MZ। तो इसे टोटल 6 रिएक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, RX, RY, RZ, MX, MY, MZ। ये 6 रिएक्शंस उस फिक्स्ड एंड पर लगेगी 3D मेंबर्स के अंदर, और 2D मेंबर्स के अंदर लगेगा आपका केवल 3 रिएक्शन, RX, RY, RZ। RX, RY, RZ मतलब X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में और Z डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। यदि मैं बात करूं MX का, तो MX क्या है, इसका मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। कुछ लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, वो क्या मीनिंग निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज रॉन्ग। बेंडिंग मोमेंट ये क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस है। मैंने आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस बताया था अभी, ऐसा वो कॉलम और बीम का जंक्शन लेते हुए। तो हमेशा ये जो MZ, MY, MX हम लिखते हैं, इसका मीनिंग ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर मेंबर में इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना। तो वो आपके 6 के 6 ये रिएक्शंस 3D में लगने वाले रहेंगे। ये हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है जनरली वो इस टाइप का रहेगा। आप लोगों ने जब कैंटिलीवर बीम पढ़ी होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एंड। ये वही है आपका, है ना। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके बड़ा बना रखा है, आप जनरली हम इस टाइप का बनाएंगे आने वाले टाइम में, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरा यदि मैं बात करूं, तो दूसरा टाइप का जो मेरे पास टाइप ऑफ सपोर्ट्स है, तो देखो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को फर्स्ट चीज बता रहा हूं वो है आपका एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो एक्सटर्नल रिएक्शन मैंने बता दी, सपोर्ट रिएक्शन, मैंने फिक्स सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शंस आती है 2D में और 3D में उसकी बात कर दी है। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं अब आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि आपके पास यदि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, या जिसको मैं कहूं हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट यदि हम कहें, तो हिंज सपोर्ट भी एक इसका नाम है, और साथ में आप चाहें तो इसको एक नाम से और बुला सकते हैं, डेट इज योर पिन सपोर्ट या पिन जॉइंटेड सपोर्ट। सो ये एक हमारा अपने आप में एक नाम है। अब ये बनता कैसे है, तो देखो इसका मैं डायग्राम यहां पर बना के बता रहा हूं। ये कोई एक मेंबर रहा होगा आपके पास कुछ इस तरीके से, जिसको आप यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका पिन जॉइंटेड मेंबर हो गया, ये मेंबर आगे कंटिन्यू हो रहा होगा। तो ये जो सपोर्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका हिंज सपोर्ट का या पिन जॉइंटेड सपोर्ट का। ये आपका मेंबर हो गया और एक पिन के थ्रू ये सपोर्ट हमारा कनेक्टेड है। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का, और इसको आप डायरेक्टली ये ट्रायंगल और इसके नीचे ये हैचिंग करके इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपने कहां पे बनाया, एंड पर, कोई भी मेंबर के एंड पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मिड स्पैन, मतलब नॉट मिड स्पैन, स्पैन पर ये कैसा दिख सकता है, स्पैन पर ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है, मतलब आप चाहें तो स्पैन पर भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास ये मेंबर है जो आगे कंटिन्यू, इधर भी कंटिन्यू हो रहा होगा और इधर भी कंटिन्यू हो रहा होगा, तो यदि बीच में कहीं पर मुझे ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो कुछ इस पैटर्न में देखने को मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मिड स्पैन पर देखने को मिल सकता, मतलब नॉट मिड स्पैन, स्पैन पर कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इसको नॉर्मली इस पैटर्न से भी, कि ये मेंबर आगे कंटिन्यू हो रहे होंगे इस तरीके से, यहां पर इसको ऐसा शो कर सकते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं हिंज सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट होते क्या है अपने आप में सर, तो हिंज सपोर्ट मतलब पिन जॉइंटेड सपोर्ट। जैसे कि मैं कहूं कि दो मेंबर्स है, है ना, तो ये दो मेंबर्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख कर ऐसा कनेक्ट करा है, मतलब इन दोनों जॉइंट्स के, इन दोनों को जब मैंने कनेक्ट करा, तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पर फिक्सिटी नहीं है। फिक्सिटी नहीं है मतलब जो रिएक्शन यहां पर बेंडिंग मोमेंट के कारण आता था वो नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये जो जॉइंट है, ये जो जंक्शन है, ये ना तो ऊपर मूव कर सकता है, ना ही नीचे मूव कर सकता है, ना ही आगे मूव कर सकता है, ना ही पीछे मूव कर सकता है।
लेकिन ये जंक्शन ऐसा रोटेट जरूर हो सकता है, देख रहे हैं आप रोटेशन आ रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब यहां पर रोटेशन आ रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये रिएक्शन है आर एक्स आर वाई आर जेड। मैं कह रहा हूं कि ये जो जंक्शन है, ये दो मेंबर्स को मैंने कनेक्ट करा, ये जंक्शन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब इसके अंदर आपका एक रिएक्शन आर वाई डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? यहां पर एक रिएक्शन आर वाई डेवलप हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये जंक्शन जो है वो आगे पीछे भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक रिएक्शन आर एक्स भी डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर रोटेशन आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये रोटेट हो सकता है मेंबर, है ना, मतलब इसमें मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसमें केवल दो ही रिएक्शन मुझे नजर आ रही है, आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो यहां पर भी आर एक्स आर वाई। तो यदि मैं टू डी की बात करूं तो मेरे पास दो रिएक्शन है टू डी में, और वो है एक आर एक्स और एक है मेरे पास आर वाई। वहीं मैं यदि 3D की बात करूं तो 3D में मेरे पास तीन रिएक्शंस इस पर्टिकुलर जंक्शन पर, इस पर्टिकुलर जॉइंट पर देखने को मिलेगा सपोर्ट पर, और वो रहेगी तीन रिएक्शन, दैट इज आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो वहां पर मुझे तीन रिएक्शंस देखने को मिलेगी। क्लियर है? सो दो रिएक्शंस यहां देखने को मिल गई, दो रिएक्शंस यहां देखने को मिल गई, और तीन रिएक्शंस आर एक्स आर वाई आर जेड हमें यहां देखने को मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर आपका थर्ड टाइप का सपोर्ट, जो कि क्या रहने वाला है, रोलर सपोर्ट। तो मैंने यहां पर लिखता हूं आपका थर्ड टाइप रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट जो होता है ये जनरली, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, मैं मेंबर डायरेक्टली बना के बताता हूं। इसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं रोलर सपोर्ट को, ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे आपके ये रोलर्स लगे रहते हैं, ठीक है, और ये आपका मेंबर होगा इस तरीके से। आप चाहें तो ऐसा मेंबर भी बना सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नॉर्मल बना दिया। तो ये रोलर सपोर्ट है आपका। रोलर सपोर्ट में क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई मेंबर है ना, रोलर सपोर्ट क्या है कि जैसे कोई मेंबर है, तो यहां पर ये दो मेंबर थे जिसको मैंने रोलर सपोर्ट की तरह लगा रखा है। तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा कि देखो, ये ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, मतलब इसमें एक रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन आ चुकी है आर वाई। लेकिन रोलर लगे हुए हैं, हमारे बच्चों के खिलौने होते हैं जो गाड़ी मूव कर देती है, तो ये वही है, रोलर लगे हैं। और जब ये रोलर लगे हैं तो आपका ये जो मेंबर है वो इस पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से। मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, मतलब आर एक्स नहीं आने वाला है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आर वाई आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के साथ साथ इसका रोटेशन भी पॉसिबल है। देखिए ये क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है ये मेंबर, मतलब ना तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रोटेशन मुझे नजर आ रहा है, और ना ही यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने वाली है, क्यों, क्योंकि रोलर होने के कारण मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है मेंबर का। बस वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट ने इसको रोक रखा है डिफ्लेक्शन को। मतलब इसमें जो रिएक्शन आने वाली है, इसमें रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किधर आने वाली है, वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाली है। तो उस पर केवल मुझे एक रिएक्शन ही दिख रही है, और वो रहेगी आपकी आर वाई। क्लियर? यदि स्पैन पर देखूं तो स्पैन पर भी ये कुछ इस तरीके से बना रह सकता है कि इस तरीके से ये मेंबर रहा होगा, और यहां कहीं पर आपका ये रोलर सपोर्ट स्पैन पर लगा हुआ होगा। यहां पर बात करूं 2D के अंदर, तो यहां पर केवल एक रिएक्शन ही डेवलप होती है, और वो होती है आपकी आर वाई। वैसे यदि 3D की भी बात करूं तो भी एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, और वो होगी आपकी केवल आर वाई। मतलब चाहे 2D रहे चाहे 3D रहे, दोनों में केवल एक ही रिएक्शन डेवलप होती है आर वाई, जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रोकती है। आर एक्स यहां पर डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। मोमेंट यहां पर डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब रोटेशन भी आपके मेंबर का पॉसिबल है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में टोटल अभी तक तीन टाइप के सपोर्ट्स डिस्कस कर दिए हैं। क्लियर? अब मेरा बात क्या है आगे का, मैं बचता है हमारे पास दो और टाइप के सपोर्ट, जो मैं यहां पर आपको अलग से समझा रहा हूं। ये स्पेशल टाइप के सपोर्ट है, स्पेशल टाइप के सपोर्ट है, मतलब इन सपोर्ट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेन तीन बेसिक टाइप के सपोर्ट्स होते हैं वो यही होते हैं, या तो सपोर्ट आपका फिक्स हो सकता है, या तो हिंज हो सकता है, या रोलर हो सकता है। अब इनके कॉम्बिनेशन से आप दो और टाइप के सपोर्ट्स बना सकते हैं। कैसे समझते हैं हम यहाँ पर, तो एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, एक आपका ये हो सकता है एक टाइप। अभी हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर की यदि मैं बात करूं तो इसका फिगर मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहूंगा हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर का। यह आपका हो चुका है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, मतलब यहां पर आप लोग पाएंगे कि एक तो फिक्स सपोर्ट भी लगे हैं ऊपर और नीचे से। तो जब फिक्स सपोर्ट इस तरीके से लगे हैं ऊपर और नीचे से, तो क्या आपका मेंबर में रोटेशन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्या इसको पकड़ के आप घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते, क्योंकि ऊपर और नीचे से यह फिक्स है, तो रोटेशन यहां पर नहीं आ सकता, मतलब बेंडिंग मोमेंट आएगा रिएक्शन। एक बात। दूसरी बात, क्या ये इस मेंबर को पकड़ के आप ऊपर नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, ऊपर नीचे इसको फिक्स ऊपर नीचे इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो मतलब यहां पर वर्टिकल रिएक्शन आर वाई आएगा। क्या इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा मूव किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, क्योंकि क्या है, रोलर है, तो मेंबर को मैंने पकड़ा, आगे गया पीछे हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ, मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब रिएक्शन आरएक्स नहीं आएगा, सिर्फ आरवाई और बेंडिंग मोमेंट एमजेड ही आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आप चाहें तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास ये है एक, कुछ इस तरीके से, यदि हम कहें कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक जंक्शन है, तो आप देखिए आपके जो मेंबर्स है, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, ये एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, इस पर्टिकुलर रोलर के ऊपर रखे हैं। तो देखिए ये वाला मेंबर इस पर रोल कर सकता है, मतलब इधर जा सकता है। वैसे ही मैं इसके नीचे वाले की बात करूं तो ये मेंबर भी इधर इधर मूव कर सकता है, मतलब इधर जा सकता है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, मेरे पास हालांकि वो एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं रहा है बताने के लिए आप लोगों को, कि यार यदि मैं कहूं कि एक ये है और एक ये है आपका, तो यहां पर दोनों के बीच में हमारा जो मेंबर है वो मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, और ना ही इसमें रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। तो मतलब इस जंक्शन पर हमारे पास क्या हो रहा है कि दो रिएक्शन डेवलप हो रही है। एक रिएक्शन तो आपका बेंडिंग मोमेंट की होगी और दैट विल बी अबाउट जेड डायरेक्शन, और एक रिएक्शन आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी योर RY। मतलब मुझे यहां पर दो रिएक्शन फाइनली देखने को मिल गया, एक रिएक्शन RY हो चुका है, दूसरा रिएक्शन आपका MZ हो चुका है। समझ में आया? तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर का एग्जांपल। अब मैं आप लोगों को कहूं कि एक और टाइप का हो सकता है, और वो आपका क्या हो सकता है, वर्टिकल गाइडेड रोलर, वर्टिकल गाइडेड रोलर। अब ये जो वर्टिकल गाइडेड रोलर है, ये जो मेंबर हॉरिजॉन्टली था इसको वर्टिकल बना दो, तो इसको मैं वर्टिकल बना देता हूं। तो कुछ इस तरीके से हमने
इसको वर्टिकल बना देते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इसको वर्टिकल बना दिया है, मतलब ये बीच में रोलर्स रख दिए हैं। कुछ इस तरीके से, और ऑफ कोर्स ये फिक्सिटी है साइड में से, इसको साइड फिक्सिटी कह सकता हूं मैं, और ये आपका मेंबर होगा जो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये आगे और कंटिन्यू हो रहा होगा मेंबर, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। तो यहां पर ये पिंस के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। अब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन आ सकता है, क्या ये मेंबर इधर इधर मूव कर सकता है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं कर सकता क्योंकि दो फिक्स प्लेट रखी हुई है, तो ये जो मेंबर है ऐसा मूव नहीं कर सकता, मतलब मुझे यहां पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है आर एक्स का, इधर से बनाऊं या इधर से बनाऊं बोथ विल बी इक्वल। अब ये हो गया रिएक्शन, तो और क्या इस मेंबर को पकड़ के आप ऐसा रोटेट कर सकते हो क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट जो है दो प्लेट, दो फिक्स प्लेट के बीच में फिक्स है, मतलब यहां पर इसका रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा होगा। सो यहां पर मैंने कहा कि इसमें दूसरी रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट एमजेड भी आ रहा है। क्या मैं तीसरी रिएक्शन आर वाई की बात करूं, क्या इस मेंबर को पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं क्योंकि रोलर लगे, ये पूरा ऊपर नीचे क्या होगा एक खिलौना बन गया है, ऊपर नीचे आप इसको मूव कर सकते हैं, मतलब यहां पर आर वाई नहीं आ रहा है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो यहां पर भी मेरे पास दो टाइप की रिएक्शन है, लेकिन दो टाइप की रिएक्शन में एक है मेरे पास आर एक्स और दूसरा है मेरे पास एम जेड, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर रिएक्शन आर वाई डेवलप हो रही थी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, और यहां पर हमारे पास रिएक्शन आर एक्स डेवलप हो गई क्योंकि हमारे पास वर्टिकली रखा हुआ था। यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल है, रोलर ऊपर नीचे मूव कर सकता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबल है एक्स डायरेक्शन में क्योंकि रोलर आगे पीछे मूव कर सकता है। तो ये मेरे पास टोटल पांच टाइप के मैंने आप लोगों को क्या बता रखे हैं, ये मैंने आप लोगों को बता रखे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एक्सटर्नल रिएक्शंस, किस पर कितनी आने वाली है उसकी बात कर ले। तो अभी तक मैंने यहां पर आप लोगों के साथ में जो मेरा फर्स्ट था, मैंने आप लोगों को बताया था दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो इनको एनालाइज करने के लिए मुझे जानना होगा कि कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं और उन सपोर्ट्स पर कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस आती है। तो मैंने आप लोगों के साथ में ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन था एक्सटर्नल रिएक्शंस वो डिस्कस कर दिया है। अब मुझे आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस करना है, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में इंटरनल रिएक्शंस।